समय की बर्बादी मत करो, वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। कई बार कई लोगों के मुंह से हम ये लाइन सुनते हैं, मगर कितनी सच्चाई है इस लाइन में। नमस्कार, मैं टीनूजा स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार इंग्लिश स्पोकन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। समय की बर्बादी भाई, 2024 का चुनाव कौन जीतेगा? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जीतेंगे, लगता है मुझे दूसरी पार्टी जीतेगी। अरे भाई, कोई भी पार्टी जीते, इस चीज पर बहस करके तुम्हें क्या फायदा। कई बार हम लोग देखते हैं कि चौक चौराहे पर चाय की चुस्की के साथ लोग इस पॉलिटिक्स पार्टी पे काफी ज्यादा डिबेट करते हैं और सोचते हैं खुद को सुधांशु त्रिवेदी, जो कि चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे आकर डिबेट कर रहे हैं। भाई उसका वो काम है, आपका क्या काम है? और आजकल का यूथ भी धीरे धीरे करके इसकी ओर जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने माइंड पे ये मत रखो कि मुझे किसे वोट देना है, बल्कि इस चीज के फालतू चक्रों में मत पड़ो। और ये डिबेट ना कि ये समय की बर्बादी है कि क्योंकि इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, आपको इसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि वो पार्टी बहुत अच्छी है, जाके वोट दो, इट्स योर वन, ये आपका टाउन। अगर मैं बात करूं तो ये डिबेट सिर्फ ये समय की बर्बादी बाहर तक ही नहीं रुकती, बल्कि घर के अंदर भी आती है। कैसे? अरे गोपी बहू, देखा उसने उसके सास ने उसे निकाल दिया। अरे मैं तो वो गोपी बहू नहीं देखती, मैं तो कुमकुम भाग्य देखती। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट सीधा पड़ता है आपके बच्चों पे, और बच्चे भी धीरे धीरे करके किसी तरीके से उसी सब काम को करने लगते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। क्योंकि हम ही लोग तो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, और बच्चों का सबसे बेहतरीन संगत उसके परिवार से बढ़कर कौन हो सकता है। आज के बच्चों में क्या है, 9th-10th का बोर्ड हो गया, बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे घंटा पढ़ने से इजी वर्क कुछ नहीं है। आप बाहर में किसी लेबर मजदूर को देखो काम करते हुए धूप में, आपको लगता है कि आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ है। हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि टफ, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो उस मजदूर से जो धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है 100 किलो का चावल का बोरा लेके, जरा एक बार करके देखो कितना टफ है। लेकिन जब आप अपने काम को कर रहे हो, आजकल के बच्चे, जैसे कि हम लोग कई बार बहुत कम पैसों में इंग्लिश स्पोकन सिखा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल और जूम ऐप के थ्रू, तो हम लोग स्कूल्स में जाते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए इंग्लिश के सेशन से रिलेटेड, और कई बार तो हम लोग फ्री ऑफ सेशन भी बच्चों को मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या जवाब मिलता है पता है? आप भी सुनो, सर 9th बोर्ड है, सर 10th बोर्ड है, बहुत प्रेशर है सर। और कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं कि बच्चों को डरा के रख देते हैं कि 10th बोर्ड है, नहीं पास हुए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो 10th बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन 10th के बाद तो 11th बोर्ड आएगा, 12th बोर्ड आएगा, फिर ग्रेजुएशन बोर्ड आएगा। कई बार हमें बच्चों से ये भी सुनने को मिलता है कि अरे राजू तेरे मैथ्स में इतने अच्छे नंबर कैसे आए मैथ्स में? अरे भाई क्या बताऊँ, मेरी मैथ बहुत कमजोर थी और मैंने उस सर पर ट्यूशन लिया, ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया। देखो आपको भी पता है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कमजोर, तो 9th बोर्ड और 10th बोर्ड बोल के ना उस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट में मजबूती पाओ। और अगर मैं बात करूं समय की बर्बादी की ना, तो क्या आप लोगों को एग्जांपल दूं कि समय मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आपको दुनिया में किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस ना आप अपने पिता की ओर देखें, पापा की ओर, और किसी की ओर देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपने पापा को देख के मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, ट्रस्ट में आपको किसी भी चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। पापा को जरा आप देखो कि आपके उठने से पहले पापा उठ जाएंगे और आपके सोने, कई बार होते हैं कि मतलब आपके उठने से पहले आपके पिताजी उठ जाएंगे और कितने रात को घर आ रहे हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे, क्यों? क्योंकि उनका काम वो है, वो अपने समय की कितनी बर्बादी कर रहे हैं। वो जान रहे कि आज अगर मैं बैठ कर चाय की चुस्कियों के साथ कांग्रेस बीजेपी करूंगा या गोपी बहू करूंगा तो मेरे बच्चे मतलब
ऐसा हो जाएगा स्थिति कि मतलब वो उनको पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब वो अपने काम को 8 से 12 घंटे करते हैं, और जब हम बच्चों को बात आती है पढ़ाई की, 8 घंटे की, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ओ माय गॉड, बहुत पढ़ पढ़ के थक गया, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। और आपको भी पता है कि एक एक रील जब आप देखते हो तो एक रील देखते देखते कितनी सारी रील्स आप स्क्रॉल कर लेते हो। देखो आपसे अच्छा किसी को नहीं पता कि मतलब इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक में आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सच में अगर आप वहां से कुछ अर्न कर रहे हो, वहां से आप कुछ सीख रहे हो, वहां से आप कुछ नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है। बट जस्ट आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। और ये जो आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि बहुत पढ़ लिए, बहुत तक लिए, उन्हीं बच्चों को आगे चल के अपने कैरियर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उन बच्चों को तो काम है पढ़ना, 2-3 घंटे में थक जा रहे हैं। और जब रियल लाइफ में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करने पड़ते हैं, और जो फिर दिन याद करते कि क्या दिन थे। देखो दिन तो सेम है, बस आप अपने काम में मजा लेना सीख और समय की बर्बादी बंद कर दो। वरना ये बात सच है कि समय आपको बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत लग जाती है समय को वेस्ट करने की। और कुछ साल बाद हम किसको, जब हमें जॉब नहीं लगती, जब हम रोजगार नहीं पा सकते, तो किसको दोष देते हैं? सरकार को किसको दोष देते हैं? कई बार माता पिता को किसको दोष देते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे? भाई आपको 24 घंटे मिले ना, उस सफल व्यक्ति को भी 24 घंटे मिले। ऐसा नहीं कि भगवान उसको बोला नहीं भाई तू बहुत मेहनत करता 24 घंटे रख ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज से ही बिल्कुल, बल्कि मैं तो बोलूँगा आज से, अभी से, रात को सोने से पहले आप देख लो, एक डाटा तैयार कर लो कि कितने घंटे आप समय की, मतलब आपकी क्या क्या वैसा काम कर रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगा, और क्या ऐसे काम कर रहे हो जिससे फ्यूचर में ग्रोथ नहीं मिलेगा। और उसका एक चार्ट बनाओ और उसको चार्ट जाओ जिस काम से समय की बर्बादी हो रही है। और ये बात सच है कि समय की बर्बादी आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और एक बात कि पढ़ाई ना, पढ़ाई शुरू से इतिहास से गवाह है। जो बच्चे होते हैं 19 है, 11, 12 है, अभी मैं ये स्टडी नहीं कर सकता, वो स्टडी नहीं कर, पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं देता है, पढ़ाई कभी भी नुकसान दे ही नहीं सकता है, ये मैं लिखित दे सकता हूँ। तो इस चीज से निकलो और टाइम वेस्ट को रोको, और अपना टाइम देखो कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी यूज, आपके लिए बहुत यूजफुल हुई हो, और अगर यूजफुल हुई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और उस दोस्त को तो जरूर शेयर करो जो अपने टाइम का इन्वेस्ट ना करके वेस्ट कर दे। थैंक यू।